पंचायत स्तर पर ही मारपीट और घरेलू मामलों को निपटाने के लिए अब काम होने लगा है, जिस कारण ग्रामीणों को घर द्वार पर ही मामलों का निपटारा मिल रहा है। हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत बल में जनवरी माह में मोही गांव के साथ लगते घरों में मारपीट का क्रॉस केस पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज हुआ था, जिसे पुलिस थाना से वापिस पंचायत घर भेजा गया था, जिसका निपटारा आपसी समझौते के द्वारा किया गया। शशि गुप्ता ने बताया कि मारपीट का क्रॉस केस बना हुआ था और मेरे बेटे ने विदेश जाना है, जिसके लिए पासपोर्ट बनाने के लिए अड़ंगा बना हुआ है, इसलिए कोर्ट से केस को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधान के सामने समझौता किया है, जिससे वह पूरी तरह से सहमत है। जो मैंने किसी भाई के ऊपर किया हुआ था और दूसरा क्रॉस केस था जो पंचायत में था, जो मेरा और मेरे बेटे के प्रति था, और मेरा बेटा भी फॉर्म जा रहा है, उसका पासपोर्ट अड़ा हुआ था, पासपोर्ट नहीं बच्चे का पड़ रहा था, वो इसलिए नहीं पड़ रहा था कि वो समझौते के कागज पड़ रहे मांग रहे थे पुलिस वाले, तभी मेरे बच्चे का पासपोर्ट था, वो कनेडा जा सकता था, ऐसे नहीं जा सकता। तो हम दोनों पक्षों ने आपस में समझौता किया, मैंने अपना कोर्ट केस वापस लिया किसी भाई के ऊपर जो किया हुआ था, और उस भाई ने जो क्रॉस केस था पंचायत में वो मुझसे वापस किया, अब हमारा कोई मांग मकान नहीं है और हमारा अच्छे से समझौता प्रधान जी के सामने। एलिगेशन क्या थे आपके? मैंने कोर्ट में किया हुआ था और इन्होंने पंचायत में किया हुआ था क्रॉस केस मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे बच्चे और मेरे ऊपर, और बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारा समझौता हो गया, आगे के लिए हमारा कोई आपस में मन मुटाव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे के ऊपर और मेरे ऊपर जो था वो ऐसा हुआ था कि किसी पड़ोसी का शीशा टूटा हुआ था, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा था, फिर मैं तो घर में रहती नहीं, मैं रहती थी क्वार्टर में हमीरपुर में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ आपस में लोगों ने एक बड़ा अटैक कर दिया, और जिसमें बच्चा बचाव के लिए बढ़ गया, और हमारा जो पुलिस में केस चला गया, बच्चा मेरे प्रति एफ आई आई क्रॉस हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि वो क्रॉस केस हमारे पंचायत में आ गया। और बड़े सिंपल शब्दों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा बच्चे को अपनी माँ को बचाने के लिए बीच में पड़ा, और वो क्रॉस केस जो अब हमारी वहाँ चला गया इसमें पुलिस स्टेशन, और वहाँ से वापस हमारे पंचायत में आ गया, अब हमारा आपसी कोई मांग था, बस मुझे ये। वहीं दूसरे पक्ष में राकेश कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले लड़ाई हुई थी और अब पंचायत द्वारा समझौता करवाया गया है, जिससे वह पूरी तरह से सहमत हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट केस को भी दूसरी पार्टी वापस ले रही है, जिससे दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है। तो इस करके ये कम प्रो कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? सहमत। क्या था आपके साथ जो मामला हुआ था? पुलिस तक पहुंच गया था आपका मामला? ये वापस ले रहे हैं ना सब, सब जो भी इन्होंने कोर्ट में केस किया, जो यहाँ पंचायत में चल रहा है, सब वापस ले कोर्ट में वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे कोर्ट वाला, कोर्ट वाला वापस पहले बेसी वो समझौता कहाँ पे हुआ आपका, ये किस जगह पे? बता दें कि 11 जनवरी 2018 को पड़ोसियों के साथ हुई मारपीट में दर्ज हुए क्रॉस मामले को पुलिस ने वापस पंचायत को भेजा था, जिस पर आज बल पंचायत ने फैसला सुनाते हुए समझौता करवाया है। मारपीट का क्रॉस केस शशि गुप्ता पत्नी सुरेश गुप्ता और राकेश कुमार निवासी मोही के बीच हुआ था। बल ग्राम पंचायत के प्रधान युद्धवीर सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिनों से पंचायत स्तर पर पुराने मामलों को निपटाने के लिए काम किया है और दोनों पक्षों में समझौता करवाया है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी समझौता हुआ है और अब फैसले से दोनों ही पक्ष सहमत हैं। और हमारे पास बोला भी आराम से अपना जो समझौता करवाया जाए, और हमने समझौता इनका जो हो गया समझौता है ना पार करके आगे, बाकी उन्होंने एप्लीकेशन में लगाए हुए थे कि हमारा हमारे आपके बारे में हमारे हमारे पास नहीं मिलेगा सर, क्या कोई नहीं बोला हमारे पास, हमारे पक्ष में कुछ नहीं बोला, हमारे पे कुछ नहीं किया, उसने जगह देगा नहीं। चलो शिष्य के बारे में तो हमने जैसे किया, दो शिष्य मौका देना गए थे, बाकी हम मौका देकर आए थे, उन्होंने ये लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और हम मौके पर मतलब हमारे प्रधान ने छुड़ाया,
फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस के बाद उनका बिल्कुल केस थाने चला गया। थाने के बाद उन्होंने डीसी को एप्लीकेशन लिख दी, डीसी से एसडीएम उनके पास आ गया। एसडीएम ने फिर हमारे को मतलब फिर दोबारा हमारे को बोला भाई हाँ भाई आप लोग क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो हमारे ऊपर भी इन्होंने ऐसे मतलब बोला भाई यहाँ पे ऊपर हमारा ऊपर लाल जो है वो कुछ नहीं मतलब हमारा हमारे बारे में कुछ नहीं बोल रहे अभी, हमारे लड़के की जिंदगी इसमें लगी है, दाव में लगी है और हमारे मतलब इनका रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज केस को लगे हुए लेकिन 15 दिन से हम लोग भी जो है उसी समझौते के लिए पीछे पड़े हुए हैं कि यहाँ पे ठीक है करना है नहीं करना है। मतलब उन्होंने बोला भाई हाँ आप लोग पंचायत में जाओ, पंचायत में जाओ आप लोग, बस वहीं से आप अपना समझौता वगैरह करो।